सुशासन के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर महिलाओं के साथ अस्मिता का खेल हो रहा है। ये पुलिसिया तंत्र का बेड आप कमरे में ले जा रहे हैं, बाथरूम तक ले जा रहे हैं। इतनी अच्छी आपकी व्यवस्था होती तो होम डिलीवरी हो रही है शराब की, आज भी हो रही है। जितने भी शपथ दिला ले, घर में जिस तरह से आप महिला की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की जा रही है, इसको बंद करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी हमारे साथ हैं। काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी कई बार करती हैं, लेकिन शराबबंदी को लेकर जब बात होती है, बिहार की महिलाएं खुश हैं। शराबबंदी पूरी तरीके से सफल क्या है? बिहार की महिलाएं खुश नहीं हैं। अभी जिस तरह से आए दिन देख रहे होंगे कि घर में जिस तरह से पुलिस घुस रही है, शादी के माहौल में पुलिस जांच कर रही है, किसी के बाथरूम में घुस रही है, तो ये बिहार की महिलाएं वस्तु स्थिति जानी है। बिहार की महिलाएं अभी आक्रोश में हैं कि बिहार सरकार ये क्या कर रही है। सुशासन के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर महिलाओं के साथ अस्मिता का खेल हो रहा है, महिलाओं की अस्मिता के साथ खेल खेला जा रहा है। और बेहद ही शर्मनाक है, महिला विधायक होने के नाते मैं सरकार के सामने इस बात को पुरजोर मैं निंदा करती हूँ कि घर में जिस तरह से आप महिला की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की जा रही है, इसको बंद करें। नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि अगर जानकारी मिलेगी कि शादी पार्टी में लोग दारू पी रहे तो जाएंगे ही ना भाई। पुलिस जाएगी। पुलिस अभी तक बिहार में तो कभी पुलिस नहीं, ये भी सरकार ने कभी देखा ही नहीं था कि महिला विधायकों पर लाठीचार्ज कर पिटवाया गया हो। पुलिसिया, ये पुलिसिया तंत्र का बेड आप कमरे में ले जा रहे हैं, बाथरूम तक ले जा रहे हैं। आपकी जांच इतनी, आप शराबबंदी आप करवाएं तो आप जो तंत्र हैं क्यों? इतनी अच्छी आपकी व्यवस्था होती तो होम डिलीवरी हो रही है शराब की, आज भी हो रही है। जितने भी शपथ दिला लें, एक महिला होने के नाते मैं मतलब ये मांग करती हूँ और मैं करती हूँ कि सरकार की बहुत ही शर्मनाक घटना है, कि हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि महिला तो सब होता है। हाँ, और आप कमरे में पुलिस को, आप शराब तो अभी भी होम डिलीवरी होती है। क्या लगता है, आप मांग करें कि ऐसे शराबबंदी कानून से अच्छा है कि इस पर विचार किया जाए? सरकार को विचार भी करना चाहिए, लेकिन एक मांग जरूर कहना चाहती हूँ कि शराबबंदी के नाम पर महिलाओं का महिलाओं की अस्मिता के साथ खेल खेलना, ये क्योंकि आए दिन समाचार पत्रों में न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ बनती हैं कि कमरे में जाकर महिला के साथ, तो ये चीज़ मैं मांग करती हूँ। महिलाओं की डिमांड पर तो हमने शराबबंदी किया, तो महिलाओं की डिमांड पर आपने शराबबंदी तो नहीं किया, आपने शराबबंदी के नाम पे तो होम डिलीवरी हो गया, बड़े बड़े कारोबार इस पे चल रहे हैं, गरीब मजदूरों का आपने शोषण किया, महिलाओं का, अब गरीब मजदूरों को जेल में ठूसा है आपने, अभी महिलाओं का शोषण आप करने जा रहे हैं। और क्या शोषण का क्या रूप हो सकता है जब महिलाओं के कमरे में जाकर पुलिस, भी महिला पुलिस नहीं, आप अपने पुलिस तंत्र का इस्तेमाल कराते हो। बिल्कुल, बेहद बेहद शर्मनाक, कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं उठाऊंगी और महिलाओं के साथ मैं सरकार से भी मांग करती हूँ कि आप महिलाओं की प्रबलता से बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। आप बोलते हैं कि मैं आधी आबादी का बहुत हितैषी हूँ, तो ये कौन सी हितैषीपन है जो आप किसी के बाथरूम में पुलिस जाती है, किसी के कमरे में पुलिस जाती है? तो सुशासन बाबू की सरकार से मैं यही मांग करती हूँ कि इस तरह की खबरें समाचार पत्रों की सुर्खियाँ ना बने। मैं सरकार से जरूर मांग करना चाहती हूँ कि शराबबंदी के नाम पर महिलाओं के साथ खेल ना खेला जाए। शराबबंदी के नाम पर महिलाओं के साथ खेलना खेला जाए, संगीता कुमारी मोहनिया की विधायक हमारे साथ, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया सरकार पर, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।